फ्रेंड्स, टेक रेड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने टीवी पे सोनी लिव ऐप को एक्टिवेट कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को भी लाइक करिएगा। ये जो टीवी है ये MI का टीवी है। तो चलिए सबसे पहले हम जाएंगे मोर ऐप पे। मोर ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे हम ढूंढेंगे सोनी लिव ऐप। देखिए यहाँ पे सोनी लिव ऐप सामने दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या करना है, आप लेफ्ट साइड पे देखिए आपको सोनी लिव ऐप का आइकन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको साइन इन की ऑप्शन मिलती है, आप इस पर क्लिक करिएगा। साइन इन करने के बाद आप देखेंगे कि आप दो तरीके से साइन इन कर सकते हैं, एक QR कोड है और दूसरा ये एक URL दिया हुआ है, उसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं सोनी लिव ऐप को अपने टीवी पे। एक मेथड और भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड। अब हम क्या करेंगे, ये जो sonylive.com/activate है फर्स्ट मेथड, इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में क्रोम ओपन कर लेना है। पहले हम आपको बता दें कि ये जो कोड लिखा हुआ है एंटर बिलो कोड, ये कितने टाइम के लिए वैलिड है, उसका टाइम नीचे दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट से क्रोम ओपन करते हैं। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है sonylive.com/activate और यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे साइन इन मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन इन कर लेना है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद साइन इन होगा। ये मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपने रजिस्टर किया हुआ है। उसके बाद आपको नीचे चेक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक OTP आएगा, तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि आपने साइन इन कर लिया है इस नंबर के साथ, और अब आपको यहाँ पे आपने नाम लिखा हुआ है उस प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है एंटर द कोड शोन ऑन योर टीवी स्क्रीन। तो टीवी स्क्रीन में जो हमें कोड दिख रहा था वो हमें यहाँ पे अब एंटर कर देना है। ये देखिए ये जो कोड है एंटर बिलो कोड, यही कोड हमें वहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप नीचे देखिए यहाँ पे एक्टिव डिवाइस लिखा हुआ है, हमें उस पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा टीवी है उसमें सोनी लिव ऐप अब लॉगिन हो चुका है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हम जो प्रोफाइल पिक यहाँ पे देख रहे हैं जिसके नीचे हमारा नाम आ रहा है, हमें उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा सोनी लिव ऐप है वो अब लॉगिन हो गया है। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, कि कैसे आप QR कोड के साथ लॉगिन कर सकते हैं, और एक मेथड जो आपको मैंने और बताया था उसके बारे में। चलिए सोनी लिव ऐप को मोबाइल में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपको अपनी प्रोफाइल दिखाई देगी जिसके नीचे आपका नाम लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऐप ओपन हो जाएगा और आपको राइट साइड पे नीचे देखना है, यहाँ पे मोर की ऑप्शन शो होगी, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे एक्टिवेट TV की ऑप्शन आ रही है, हमें इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है एंटर द कोड शोन ऑन योर TV स्क्रीन, हम यहाँ पे डायरेक्ट कोड एंटर करके भी एक्टिवेट डिवाइस पे क्लिक करने के बाद एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके नीचे स्कैन QR कोड की ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करने के बाद जो TV में QR कोड शो हो रहा है उसको स्कैन कर सकते हैं, उससे भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। पे क्लिक करते ही ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आप देखिए यहाँ पे आपको ओपन विद सोनी लिव ऐप कर लेना है, आप देख सकते हैं उस पर क्लिक करते ही ये मेरा लॉगिन हो गया है TV में। तो दोस्तों आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत